आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। एंड आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, फिर से आप सभी लोगों के साथ छोटा सा एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं करूँगी मेरा जो ये वेजिटेबल स्टैंड है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसे मैं आज साफ करूँगी और जितना भी वेजिटेबल्स हैं सारा निकाल के साफ करूँगी, धोऊँगी नहीं, सिर्फ गीला कपड़ा से साफ करूँगी। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए किचन में, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कोई कोई सब्जी सूख भी गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं सारा सब्जी को निकाल के रख रही हूँ और उसके बाद जो स्टेन है उसे अच्छे से मैं साफ करूँगी। तो सारा सब्जी मैं निकाल ली हूँ, आप लोग देख सकते हो, और इस सब्जी को एक डाला में रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं ये साफ करूँगी वेजिटेबल स्टेन को। तो डाला लेकर आती हूँ। अभी मैं इधर डाला में सब्जी रख रही हूँ, जो अच्छा है उसे रख रही हूँ और जो सूख गया है, ख़राब हो गया है, उसे मैं साइड कर दूँगी। और हम लोग के घर में सब्जी बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं, तो इसी वजह से कोई कोई सब्जी सूख जाता है, ख़राब भी हो जाता है, और जो अच्छा है उसे मैं साइड कर रही हूँ। सो गाइस, अच्छा सब्जी को मैंने एक डालों में रख दिया है और अभी जो सब्जी ख़राब हो गया, जैसे कि बैंगन है, इसको से वो सब, मतलब कि ख़राब नहीं है, सूख गया है, और काफ़ी ज़्यादा सब्जी लेकर आते हैं तो इसी वजह से सब्जी बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में, मतलब कि ख़राब हो जाता है। थोड़ा बहुत सब्जी फ्रिज में भी रखा हुआ है और जो सूखा सब्जी होता है ना, जैसे कि आलू प्याज वगैरह, वो सब हम लोग वेजिटेबल स्टैंड में ही रखते हैं। अभी मैं इस पानी में थोड़ा सा सर्फ डाली हूँ और उसके बाद ये कपड़ा को इसमें भिगो लूँगी और अच्छे से मैं इसको साफ करूँगी। ये खोल के भी धो सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसी वजह से मैं नहीं खोली हूँ। सर्फ पानी से करने से भी अच्छे से साफ हो जाता है और इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से पहले मैं सर्फ पानी से साफ करूँगी और उसके बाद साफ पानी से साफ करूँगी। तो अभी मैं अच्छे से सर्फ पानी से पहले साफ़ कर रही हूँ वेजिटेबल स्टैंड को, और रोज़ रोज़ ये स्टैंड मैं साफ़ नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक बार करती हूँ या फिर महीने में करती हूँ साफ़। तो काफ़ी दिन हो गया था मैं साफ़ नहीं की थी, तो इसी वजह से आज साफ़ कर रही हूँ। अभी मैं ली हूँ अच्छा पानी, सर्फ वाला पानी फेंक दी हूँ, अभी साफ पानी से फिर से इसको साफ कर रही। सो गाइस, वेजिटेबल स्टैंड को मैंने अच्छे से साफ पानी से भी साफ़ कर लिया है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। और अभी मैं वेजिटेबल्स रखने से पहले, यानी कि सब्जी रखने से पहले, इसमें मैं प्लास्टिक बिछाऊंगी ताकि कभी फिर से गंदा हो तो मैं प्लास्टिक के साथ ही सब्जी को निकाल पाऊँ और हमारा जो वेजिटेबल स्टैंड है वो साफ़ का साफ ही रहे। और इसी तरीके से प्लास्टिक बिछाने से ना बहुत अच्छे से साफ़ भी रहता है। मैंने सब्जी रख दिया है, यानी कि वेजिटेबल्स रख दिया है, जो जो सब्जी मैंने निकाला था जो अच्छा था उसी सब्जी को रखी हूँ, और जो ख़राब हो गया था उसे मैंने साइड करके रख दिया है। और अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी वेजिटेबल स्टैंड का। आप लोग देख सकते हो वेजिटेबल स्टैंड कितने अच्छे से साफ़ हो गया है और सब्ज़ी भी मैं रखी हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा क्लीन हो गया है।
गैस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गैस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।